हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कपिल दबंग स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11, अल्कोहल फिनोल ईथर। क्लियर, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है अपनी, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर रखा है अपना चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल फिनोल ईथर। और उसमें अब तक हमने उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, अल्कोहल्स का, फिनोल का, ईथर का, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह जो होते हैं, अल्कोहल हुआ, फिनोल हुआ, ईथर्स हुई, इनके क्रियात्मक समूह जो हैं भैया, हमने इनकी सारी स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और सारी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब भौतिक गुण किन किन के, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की। तो हम पढ़ेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, ओके। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने लोग जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरा लिया था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, तो यदि वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ वो एक बार इस लेक्चर को ही देख लें, या फिर अगर वो इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वो स्टार्टिंग से आएँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी सिखाया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी सिखाया है वहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भी सिखाई है अल्कोहल, फिनोल, ईथर की, तो एक बार वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। क्लियर, ओके। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे जो लोग रिविज़न कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लिया, तो उनके लिए मैं हर बार क्या लेके आता हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उस पूरे चैप्टर का एक दिन में रिवीजन कराता हूँ, तो मैं वो रिवीजन भी आपको कराऊंगा जैसे ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखें। तो आपका जितने लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, सपोज 12 में हुआ, 13 में हुआ, ये 14, 15 जितने में भी होता है, ठीक है, तो उन सबका पूरे की पूरी समरी जो होगी, उसका पूरा सारांश जो होगा, वो मैं आपको एक लेक्चर में करवा दूंगा। सही है, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं, तो नए तो बिल्कुल यहाँ से जुड़ी है, उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जो केमिस्ट्री में जिनको फोबिया रहता है, समझ में नहीं आती चीज़ें, कुछ डर है उनका, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग जो उनकी वीक है, तो वो सब उन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लीजिए। आपको डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, एक मॉर्निंग में, एक मिड आफ्टरनून में और एक इवनिंग में। ठीक है, 3 क्लासेस आपको मिलती हैं। उसके अलावा अगर कोई जनरल क्लास हुई, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन हुई, कोई न्यूज़ हुई, तो वो चीज़ें अलग से आती रहेंगी आपकी, लेकिन 3 क्लासेस हमेशा रेगुलरली आएंगी। सही है, ओके। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आपके जितने भी भाई बहन हो, जितने भी आपके दोस्त हों, उन सभी को आप जोड़िए यहाँ पर, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 12वीं के हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसकी हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल होती है, एनसीईआरटी की लाइन, उसकी वर्ड, कहीं से भी कौन सा सवाल उठ के आ जाए कोई नहीं कह सकता। सही है, मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस कितना है वो आप जब कोई एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों ने आईआईटी नीट का पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है वो इसका महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। सही है, ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ओके, देखिए भौतिक गुण स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं, अल्कोहल और फिनोल, इन दोनों में की प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ROH, वो क्या होते हैं, ROH, और फिनोल क्या होते हैं, AROH। भैया AR मतलब बेंजीन रिंग, सही है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि भैया अल्कोहल और फिनोल जो हैं, इनमें OH जो ग्रुप है, OH ग्रुप दोनों में क्या है, सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग सेम रहने वाली है। सही है, तो वो चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, तो अल्कोहल और फिनोल के दो भाग होते हैं, एक तो होता है इसका एल्किल और एरिल भाग, ठीक है, ये एक तो मतलब एल्किल एरिल भाग, और दूसरा भाग कौन सा होता है इसका, हाइड्रोक्सिल समूह। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है, ओके। अल्कोहल और फिनोलों के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं, एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को सामान्यतः संशोधित करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वथनांक की। एक बार कुछ देर के लिए इसको आप साइड में रखो, मैं A to Z आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, एक एक बात समझाने वाला हूँ, आपके सबको समझ में आएगा। ओके, देखिए पहले बात करता हूँ क्वथनांक की। क्वथनांक को आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, समझिए, इसको आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में आप समझिए। देखो, जनरली आपने एक बात पढ़ रखी है, आप तो एक बात बोल देते हो जो छोटी क्लासों में आपको सिखाया हुआ है कि किस द्रव का उबलना वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। सही है, मतलब कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है वो उसका क्वथनांक होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्टली डेफिनेशन तो अलग होती है। वो क्या होती है, किसी भी द्रव के लिए वह ताप जब उसके वाष्प ताप का मान बढ़कर 1 एटमोस्फेयर हो जाए, वो उसके लिए क्या होता है, क्वथनांक होता है। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन।
विलियन वाला मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, फर्स्ट बुक का चैप्टर है वो, वहाँ पर आप पढ़ोगे विलियन के बारे में। और वहाँ पर आप एक गजब का एक टॉपिक है जिसका नाम है अणुसंघीय गुणधर्म, इंग्लिश वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंघीय गुणधर्म वाला टॉपिक है उसमें अपने चार होते हैं, ठीक है। एक तो अपना वास्तुदाब में अवनमन होता है, एक अपना होता है हिमांक में उन्नयन, एक अपना क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और एक अपना होता है परासरण दाब। तो वहाँ पर अपन इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ढंग से डिटेल में, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, वहाँ पर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना मान के चलो कि भैया लगभग आप तो ये मानो कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर हीट करता है ना, उबलता है, बॉइल करता है, वो इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। वैसे क्या होता है, उसका वाष्प दाब जो होता है, वेपर प्रेशर, जब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, 1 ATM दाब के बराबर हो जाए, वो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है, सही है। ओके, तो बात करेंगे क्वथनांक की। तो एक बार एल्कोहल और फिनोल की बात करते हैं। एल्कोहल और फिनोल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ, ठीक है, क्या होते हैं, बढ़ते हैं। भैया ऑब्वियसली बात है, ये इसी के लिए नहीं, ये सबके सब पे अप्लाई होता है, चीज़ें सब पर अप्लाई होता है। कोई सा भी कंपाउंड ले लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम आप जब भी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसका अणुभार बढ़ेगा। अणुभार का मतलब उसका मॉलिक्युलर वेट बढ़ेगा। जब आप मॉलिक्युलर वेट बढ़ा रहे हो, अणुभार बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सही है। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं आपको। इन्होंने बात बोली कि वैन डर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। देखो वैन डर वाल्स बल जो होते हैं ये काफ़ी कम एनर्जी के होते हैं, लेकिन एनर्जी तो होती है ना इनकी। भैया सबसे हाई एनर्जी का कि क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। उससे कम एनर्जी के कौन होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। उससे कम एनर्जी के, हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ये सब इन कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद सबसे कम एनर्जी के आते हैं कौन से, वैन डर वाल्स फोर्स, सही है। 1 से 3 किलो कैलोरी बहुत कम इनकी एनर्जी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3 से 10 किलो कैलोरी। इस तरीके से इनकी एनर्जी लगभग आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो भैया, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भैया कार्बन परमाणु की संख्या सीधे समानुपाती होती है क्वथनांक से, सही है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे तो यही बढ़ेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ, शाखन मतलब होता है ब्रांचिंग, शाखन मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग। आपने पढ़ा होगा IUPAC नॉमनक्लेचर, तो IUPAC नॉमनक्लेचर के कुछ नियम होते थे कि सबसे पहले आपको सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद आप करते हो नंबरिंग। आपने सुना होगा ना दूसरा नियम क्या होता है, नंबरिंग का नियम, अंकन का नियम जिसको आप बोलते हो। देखो सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद जो ऊपर नीचे बसते हैं ना, ऊपर नीचे जो भी बसते हैं उनको बोलते हैं प्रतिस्थापी, ठीक है, उनको बोलते हैं ब्रांच, उनको क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेगी, तो भैया इन्होंने क्या बोला, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में क्या होती है, कमी होती है। क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो मतलब आप क्या करोगे, जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो जो कार्बन चेन होगी उसमें जो कार्बन परमाणु होंगे वो कम होंगे, सही है। ब्रांचिंग बढ़ने के साथ जो कार्बन चेन में कार्बन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। जब कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी तो जो सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ क्या बोलेंगे इसको, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर वैन डर वाल्स बल भी क्या होंगे, कम होंगे, सही है। भाई जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सही है। और जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ज़्यादा वैन डर वाल्स बल होंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी, ठीक है। तो मतलब ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ आप तो इसको ऐसे लिंक करो कि किसी भी चेन में या किसी भी कंपाउंड में यदि ब्रांचिंग बढ़ती है, ये ब्रांचिंग साइड में जो निकले होते हैं चेन के आजू बाजू में, सही है। तो अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से वैन डर वाल्स बल बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वैन डर वाल्स बल जब बढ़ जाते हैं तो वह क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। ओके सॉरी, वैन डर वाल्स बल क्यों जाते हैं, कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना ही, हाँ जी, वैन डर वाल्स बल ज़्यादा होते हैं, और जितना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही कम क्या होंगे, वैन डर वाल्स बल होंगे। ओके देखो इधर, एल्कोहल और फिनोलों में OH समूह अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जैसा कि चित्र। अब देखो इसको मैं इधर समझाता हूँ, इसको एक बार देखो, इसके लिए जगह लेता हूँ थोड़ी सी, यहाँ समझाता हूँ इसको मैं। इधर देखो, इधर देखना भाई, सब समझना बात को बहुत ध्यान से। मैंने बात करी एल्कोहल की, किसकी बात करी, एल्कोहल की। आपको मैंने बता रखा है कि एल्कोहल की ये होता है, इस तरीके से अपन इसको शो करते हैं, ये एल्कोहल हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल जो होते हैं वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, आपको पता होगा, सुनना भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य
बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जैसे आप बोल दो कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया क्या, नहीं भैया गलत बात। वाटर की बात करता हूँ, जैसे मैं इसकी बात करी मैंने वाटर की, तो ओ ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो भैया आप बोल दो कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं भैया फिर गलत बात। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो सुनना भैया आप ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य लगने वाला, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी बल, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब भैया इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, सही है, और आपको पता है ऑक्सीजन एक बार में दो बॉन्ड बनाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। इन दो बॉन्ड के अलावा ये अधिक, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा ये स्थिर वैद्युतिकी बल से किससे जुड़ा हुआ है, मतलब अलग कोई हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है क्या? ये ऑक्सीजन इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, क्या ये इस हाइड्रोजन से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है क्या? तो इनके मध्य लगने वाला ये जो इलेक्ट्रो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्थिर वैद्युतिकी बल है, अतिरिक्त स्थिर वैद्युतिकी बल, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ जी इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त स्थिर वैद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युतिकी बल, लो भैया ये होता है। इंग्लिश में बात करें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सीखे कैसे, कैसे इसको करें, या तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड पर, आपके 11वीं क्लास में अच्छे से दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे कौन कौन से एटम इसमें होते हैं, कितने टाइप का होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, इस तरीके से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड पर, ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचान कैसे करनी है, कहाँ आपको पता लगाना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं होगा। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ आपको मैं, छोटा सा, देखो इधर हाइड्रोजन और आपके सामने तीन तत्व दिखे हैं आपको, F O N, सुनना भैया, हाइड्रोजन और फोन तत्व, इनको क्या बोलते हैं, फोन, फोन, ठीक है, हाइड्रोजन और फोन तत्व यदि आपको दिखे हैं तो भैया वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा सकते हो आप। ये अपना एक वो है, सीक्रेट है, अपना पर्सनल सीक्रेट है, ठीक है। देखो कैसे, अब ये ऐसा भी नहीं है कि भैया आपने तो बोला ये लो R O CH3, ये लो भैया यहाँ ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मैं बोलूँगा नहीं, आप बोलोगे यस, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, मैंने बोला अभी 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 बोला था मैंने आपसे, हाइड्रोजन और फोन तत्व ये जो हैं इन तीनों में से तो कोई सा भी एटम होना चाहिए, मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो और नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तीनों में से कोई सा भी एटम हो और साथ में क्या हो, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड। कैसे, देखो भाई साहब मैं बोलूं कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है और दोनों डायरेक्टली अटैच भी हैं। मैं बोलूं फिनोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या, देखो भैया बिल्कुल बनाएगा, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। मैं पूछता हूं अमोनिया बनाएगा क्या, अमोनिया बनाएगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल बनाएगा, क्यों बनाएगा, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है और डायरेक्टली अटैच भी हैं। मैं पूछता हूं आपसे कि एच एफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल बनाएगा, हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन भी है और दोनों डायरेक्टली अटैच है। और देखो मैं पूछता हूँ वाटर, वाटर मतलब ये, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या, देखो आप देखो ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है और दोनों डायरेक्टली अटैच भी है, इसका मतलब बनाएगा। ये लो भैया सिंपल से कंसेप्ट है आपके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके सामने कुछ जनरल कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे दी मैंने कि भैया हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन दोनों, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट और हाइड्रोजन एटम ये अगर दिख जाए आपको डायरेक्टली अटैच, भैया आंख बंद करके बोल दो ये जल में विलय होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो भैया 100% जल में विलय होते हैं, ये भी लो भैया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जल में विलय है, आपको बोलते जल में विलय है, तो भैया आप क्या बोलोगे, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आपसे कोई बोल दे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो भैया आप बोल दो जल में विलय है। तो ये तो आपस में इंटरलिंक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि भैया अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों, आंख बंद करके बोल दो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। स्ट्रक्चर पूछे तो वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, सही है। तो ये चीज़ें कुछ कंसेप्ट हो गई है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा स्थिर वैद्युतिकी बल बढ़ रहा है,
मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ रहा है, और एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ेगा तो भैया उसको उस चीज़ को बॉईल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, उसका क्वथनांक भी बढ़ गया, उसका क्वथनांक भी क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो गया, बढ़ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपको कुछ, अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? ओके, देखो इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इधर से देखो भैया, मेरे हिसाब से अभी चीज़ समझ में आ गई आपके, क्लियर? तो ये हो गया अपना, जैसे अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बढ़ता है तो भैया देखो सोल्युबिलिटी मतलब विलेयता, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता, विलेयता, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। मैं बात करता हूँ किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। मैं बात करूँ एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बीपी मतलब क्वथनांक, एमपी मतलब गलनांक, ये लो भैया क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सही है, कोई समस्या नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आया नहीं आया, इसमें बताओ मेरे को। हाँ जी, इसको साफ करता हूँ मैं इधर से। ओके, देखना है सर, देखो इसको पढ़ते हैं एक बार अपन, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, देखो। हाँ जी, एल्कोलो और फिनोलो में OH समूह अंतरणविक हाइड्रोजन अबंध, अंतरणविक हाइड्रोजन अबंध बनाते हैं, जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। देखो अंतरणविक और अंतः आणविक, इन दोनों का मतलब क्या है, अंतरणविक का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, सही है, और अंतः आणविक का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। अभी इन्होंने क्या बोला है, अंतरा, अंतरा का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, क्लियर। देखो जैसे इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, देखो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है क्या, ROH, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है क्या, ROH, 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 मतलब अल्कोहलों में दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको दिख रहा होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको दिख रहा होगा कि भैया देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, ये आपको तो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अल्कोहलों के दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सही है। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, फिनोल में ही बन रहा है, देखो ये फिनोल्स, ये फिनोल्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन कैसे रहा है इसको भी देखो आप भैया, इधर देखना, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। भैया अल्कोहल और फिनोलों में क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। यह रोचक तथ्य है कि, अब रोचक तथ्य क्या है भैया, देखते हैं इसको एक बार, कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों, यानी कि हाइड्रोकार्बन हुआ, ईथर हुआ, एल्कोहल, हेलोएल्केन हुआ, हेलोएरिन्स हुआ, कि यौगिकों की तुलना में अल्कोहल तथा फिनोलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। भैया मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल जो होते हैं, फिनोल्स जो होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो उनको गर्म करने के लिए, उनको क्वथनांक, उनका उनको उबालने के लिए, मतलब उनको क्वथनांक तक लाने के लिए, ठीक है, आपको इन फोर्स को भी तोड़ना पड़ेगा, मतलब इन बलों को तोड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ही इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होता, ईथर्स में भी नहीं होता, क्या नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर्स में बिल्कुल भैया भी नहीं होता, ध्यान रखना, ईथर्स में भी नहीं होता, हेलोएल्केन में भी नहीं होता, हेलोएरिन में भी नहीं होता। अब आप पूछो कैसे नहीं होता, इधर आओ आप खुद ही बताना, हाइड्रोकार्बन मतलब CH4, अरे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से दिखेगा आपको, हाइड्रोजन तो दिख रहा है लेकिन फोन तत्व नहीं दिख रहे, अगर दिख भी जाएँ तो डायरेक्टली अटैच होना मस्ट कंडीशन है, ज़रूरी है ये चीज़, ये सही है। ओके, CH4 की देखो इधर, ईथर्स को देखो, ROR, भैया कहाँ से बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, देखना इसको एक बार, ये बना सकता है क्या, नहीं भैया गलत बात, ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन इनमें भी होगी, R में होगी, लेकिन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है ये, सही है, इसका मतलब ईथर भी नहीं होंगे। हेलोएल्केन, भैया हेलोएल्केन RX, लो भैया कहाँ है इसमें, सपोज दैट आप ये ले लेते हो, RF ले लेते हो, तो फ्लोरीन तो ले लिया, लेकिन फ्लोरीन से हाइड्रोजन नहीं लिया आपने डायरेक्टली अटैच, इसका मतलब भैया ये जो हेलोएल्केन्स हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब ये जल में विलय नहीं होंगे ये, ठीक है, और इनके क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है।
और हेलो रिंग्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भैया, इसमें तो ये एरोमेटिक रिंग और आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी तुलना में क्या होता है, ये एल्कोहल और फिनोलों के क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि एथेनॉल प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान, एथेनॉल प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य हैं किंतु इनके क्वथनांकों में काफ़ी अंतर है। मेथोक्सी मीथेन का क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांकों के मध्यवर्ती होता है। इसका मतलब समझना, देखो समझना भैया, ये जो तीन एग्जाम्पल लिए ना इन्होंने, इनको समझना बहुत अच्छे से एक बार। देखो इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब ये, ठीक है, CH3CH2OH ये लिया इन्होंने, इधर लिया क्या इथर CH3OCH3 और यहाँ पर लिया प्रोपेन, क्लियर। इन सब के अपन लगभग वो देखें क्वथनांक, सॉरी मोलिकुलर वेट, तो देखो इसका 46 है, इसका भी 46 है, इसका भी 40, इसका लगभग बराबर सही है, 44 है, सही है। तीनों के अणुभार इन्होंने क्या ले लिए, बराबर ले लिए, तो भैया इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर होना चाहिए था ना। लेकिन भैया देखो एल्कोहल का तो 351 पे ही उबल रहा है, ये 248 पे ही उबल रहा है और ये 231 पे, तो भैया इसका मतलब क्या है कि भैया एल्कोहल जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके देखें तो हाइड्रोकार्बन तो कभी भी नहीं बनाएंगे, भूल के भी नहीं बनाते, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन नेवर फॉर्म, नेवर बोला मैंने, नेवर का मतलब था कभी नहीं बनाएंगे भैया, यहाँ दिमाग में ठान लो इस चीज़ को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नेवर फॉर्म, हाँ जी हाइड्रोजन बॉन्ड, लो भैया सही है। इसलिए इनका जो बीपी होता है, क्वथनांक जो इसको अपन बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमेशा क्या होता है, कम होता है करस्पॉन्डिंग टू द एल्कोहल, इनके बराबर जिनका अणुभार है एल्कोहलों में उनसे हमेशा कम होता है, सही है। और ईथर्स में तो क्या होता है, इनके बीच में होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एटम होता है इनके बीच में थोड़ा सा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं अपन, अब तो ये आपके समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, आइए यहाँ पर ये वर्ड और देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, हाँ जी एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतरणविक हाइड्रोजन आबंध, मैंने बता दिया आपको अंतरणविक हाइड्रोजन आबंध का मतलब क्या होता है, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अणुओं के बीच में अलग अलग, सही है। ये देखो इस तरीके से, अच्छा ये तो विलयता का बता रखा है, जैसे मैंने आपको बताया इधर देख लो वापस से ROH, ठीक है, उसके अलावा वापस देखो आप HOR, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखो भैया इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में ये रहा, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में ये रहा, ऐसे ही आगे होता रहेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतरणविक, इंग्लिश वाले इंटरमोलिकुलर, क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये एक ही अणु के बीच में होता, एक ही मॉलिक्यूल में होता, जैसे कि एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक क्या होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, आप आगे जाकर पढ़ोगे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात होती है, ये लो भैया इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में मतलब एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, ये इसके बीच में यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर, ये जो हो जाएगा इसको अपन बोलते हैं सॉरी इंट्रा, ये तो इंटर हो गया, इंटर का मतलब होता है ये इंटरवर्ड जो होता है ना, इंटर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप नहीं पढ़ते, आपने पढ़ा क्या, आप जब कभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे कॉलेज में जाएंगे या फिर आपने कभी देखा होगा स्कूल में, यदि हो आप तो आपने देखा होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल मतलब दो स्कूलों के बीच में, सही है। आप बोलते हो इंटर क्लास कॉम्पिटिशन या इंटर क्लास मैचेस, इंटर क्लास मतलब होता है दो क्लास के बीच में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, दो स्कूल के बीच में क्या हो रहा है, एक कोई भी कंपटीशन हो रहा है। इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, इंटर कॉलेजेस फेस्ट, ठीक है, मतलब इस तरीके से इंटर का मतलब क्या होता है, दो के बीच में, ये दो हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं, इंटर मतलब अलग अलग होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, वो होता है इंटर। और इंट्रा मतलब होता है इंट्रा मतलब होता है उसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, ओके इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ जी हाइड्रोजन बॉन्ड, लो भैया इसमें कोई समस्या नहीं किसी को भी, क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं अपन। अब तो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतरणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण होते हैं, जिसका ईथरो एम हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अभाव होता है, सही है। ईथर्स और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, अभाव होता है, कमी होती है, नहीं होता है इनमें। ओके नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन विलयता, विलयता मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, क्लियर। ओके देखो भैया एल्कोहलों और फिनोलों की जल में विलयता उनकी जल की अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। तो भैया मैंने आपको बता दिया बात
कि आप विलेयता देख लो, क्वथनांक देख लो, गलनांक देख लो, भैया सारी चीज़ें डिपेंड किस पर कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं किस पर, जल में, सॉरी हाइड्रोजन आवन पर, किस पर डिपेंड कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अगर कोई अल्कोहल या फिनॉल या फिर कोई भी कंपाउंड यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो भैया वो जल में विलय होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जल में जो अणुओं के साथ हाइड्रोजन आवन बनाने की क्षमता होती है उस पर डिपेंड करती है कौन, विलेयता, सही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको देखते हैं अभी। यह विलेयता एल्किल या एरिल समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती है। ऑब्वियसली बात है भैया, ऑब्वियसली बात है कि एल्किल समूह जो होता है R, वो क्या करता है, उसका अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जल से दूर जाने वाला। एक होता है हाइड्रोफिलिक, वो क्या होता है, जल के पास आने वाला, मतलब जल से अट्रैक्ट होने वाला, जल आकर्षी, एक जल प्रतिकर्षी। ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जल प्रतिकर्षी समूह, लो भैया, ठीक है। और ये जो वाटर होता है, वाटर ये कैसा होता है, जल आकर्षी, कैसा होता है, जल आकर्षी, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है ये। देखो समझना, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये तो क्या होता है, जल से दूर भागता है, ठीक है, और ये जल के पास जाता है, ये वाला ग्रुप जो होता है ना OH ग्रुप, ये जल के पास जाने वाला ग्रुप होता है, मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे भैया, ये ग्रुप बढ़ेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा तो भैया जल में विलेयता भी क्या होगी, कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा, विलेयता उतनी ज़्यादा, सही है। तो देखो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, आप इधर देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, देखना भैया इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखना। अब आप इधर देखो CH3CH2CH2OH ये ले लिया इन्होंने, ठीक है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये H2O और ये H2O, सही है। अब इनमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कैसे हो रही है, देखना, इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस अल्कोहल का ऑक्सीजन, इनके बीच में देखो ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 1 2 3 इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती रहती है, सही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होती है, हाँ जी, जल में विलेयता बढ़ती जाती है, और ये जो एल्किल एरिल समूह होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक मतलब जल से दूर जाने वाले, ठीक है, जल प्रतिकर्षी या जल विरागी, इन्होंने बोल दिया ये रहा जल विरागी, सही है, विराग मतलब दूर जाना, सही है। हाँ जी, यह विलेयता एरिल या एरिल समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती है। अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके नेक्स्ट। ओके अब ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं खत्म, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एक बार मैं इंग्लिश वालों को फटाफट बता देता हूँ ये चीज़ें, इंग्लिश वाले फटाफट देख लो एक बार सारी चीज़ें, ये देखो समझते रहना भैया इंग्लिश वाले, आ जाओ, ओके। देखो भैया एल्कोहल, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल एंड फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन एल्काइल एरिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द एल्काइल और एरिल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लियर, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब क्या है इसका, कि जो एल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टी, एल्कोहल और फिनॉल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली किसकी वजह से होती हैं, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है, ठीक है। द नेचर ऑफ एल्काइल एरिल ग्रुप सिंपली मॉडिफाइड दीज प्रॉपर्टीज, क्लियर, ओके। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज द इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सबके साथ होता है, एज वेल एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन एनी कंपाउंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड में बढ़ाओगे तो भैया वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सही है। लेकिन एल्कोहल में क्या होता है, कुछ ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है भैया, यहाँ पर वंडर वाल्स बल जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वंडर वाल्स फोर्स मैंने आपको अभी बताया था, वंडर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, बहुत कम एनर्जी के होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं तो उनमें लगते हैं ये, ठीक है, ओके। इन एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, ठीक है, मतलब क्या बोला इन्होंने कि भैया जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे किसी भी चेन में ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ वो जो चेन होगी वो कम हो जाएगी, चेन कम हो जाएगी भैया, चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सही है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर वंडरवाल्स फोर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका वो भी कम हो जाएगा, सही है। द OH ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनॉल्स
इज इन्वॉल्व इन, हाँ जी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन बिलो, मतलब एल्कोहल फिनॉल में इस तरीके से इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इंटर मतलब बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, सही है, बिटवीन मोलिक्यूल्स। ओके देखियो आर ओ एच भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन, ऐसे चल रही है। ठीक है, बात करें फिनॉल्स की तो देखो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल, ये फिनॉल का मॉलिक्यूल, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही। ठीक है, ये देखो ये रही, क्लियर, ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, सिखा मैंने आपको पहले दिया चीज़ें, क्लियर। ओके नेक्स्ट को पढ़ते हैं अपन, ये क्या बोलता है ये वाला पैराग्राफ, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, हाँ जी इंटरेस्टिंग क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेज ऑफ कंपाउंड। देखो सुनना भैया, किस किस से, नेमली हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स, मतलब क्या है, एल्कोहल एंड फिनॉल्स हैव द मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो एल्केन, हेलोएरिन्स, दीज कंपाउंड्स, क्लियर। मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनसे कम होता है, कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन से कर लो, ईथर से ले लो, हेलोएरिन एल्केन से ले लो, हेलोएरिन से ले लो, सही है, ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज। ठीक है, मतलब जिनका मोलिकुलर मास लगभग लगभग समान हो उनसे कंपेयर कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, हैव, हाँ जी, हैव कंपेरेबल मोलिकुलर मास, मतलब दोनों का मास लगभग लगभग कंपेरेबल बराबर सा है, बट दे आर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में उसमें कुछ अंतर काफ़ी है। ठीक है, ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन मतलब इथर हो गया, मतलब ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, सही है, इज इंटर, हाँ जी, इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या होता है, इन जी ये अपर दो बॉइलिंग पॉइंट अपन पढ़े हैं, अपन ने किसका पढ़ा है, एक तो पढ़ा है इथेनॉल का, एक हमने पढ़ा है प्रोपेन का, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में इसका जस्ट बीच में आता है ये। देखो कैसे भाई, अपन ने वो टेबल पढ़ी थी ना अभी, कि तीनों का मोलिकुलर मास लगभग लगभग क्या आता है, सेम आ रहा है। देखो इथेनॉल का मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, 46, मिथॉक्सीमीथेन का 46, प्रोपेन का 44, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है भैया 351, 248, 231, बहुत ज़्यादा रेंज आ रही है, तो सही है। आगे देखते हैं हम, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता ही है, इन दैम विच इज़ लैकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन, जबकि ईथर्स और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें इसका क्या होता है, लैकिंग, लैकिंग मतलब कमी होती है उनकी। ठीक है, देर इज़ अ लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रो, ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन, क्लियर। ओके देखो सॉलिबिलिटी, अब बात करें सॉलिबिलिटी की, सॉलिबिलिटी जो होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू दियर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एज शोन, मतलब क्या होता है, एल्कोहल और फिनॉल की जो सॉलिबिलिटी होती है, मतलब विलयता जो होती है इनकी, वो डिपेंड करती है प्योरली किस पर, हाँ जी एल्कोहल और फिनॉल पर डिपेंड करती है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्गनेस से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। द सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल एराइल ग्रुप, हाँ जी, सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज, क्लियर है। यहाँ पर एल्कोहल जो है ये क्या लिया, CH3CH2CH2OH, मतलब ये लिया प्रोपेनॉल, क्या लिया इन्होंने, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल की विलयता देख रहे हैं ये, H2O और H2O इनमें, तो भाई देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इनमें क्या हो जाती है, जल में विलयता हो जाती है, मतलब एज वेल एज द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ एल्कोहल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे आप जल में, जैसे जैसे कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है उसकी, तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी मतलब विलयता भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्लियर है। ओके, ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला अपना चैप्टर खत्म, चैप्टर क्या, ये मतलब लेक्चर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, सही है, रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ेंगे अपन, एल्कोहल और फिनॉल्स की, क्लियर है। ओके हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ओके ठीक है, तब तक आप इसको समझिए, इसमें कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताइए। ओके ओके, वेट करो आप नेक्स्ट लेक्चर का, वो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।